गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, एंड दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 22 ऑफ सितंबर, 22 सितंबर को जो आपका क्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसमें मेडिकल और मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस वाइज देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से प्रॉबेबल क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका है, इसमें काफ़ी वास्ट, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, जिसमें आपका आपका इस्लाम के आगमन से लेकर बहुत सारी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी शब्दावलियाँ से लेकर आपका मध्यकालीन इतिहास, मुगलकालीन इतिहास, मराठों का इतिहास, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट, और उसके बाद कुछ आपका वर्ल्ड टर्मिनोलॉजी, विश्व इतिहास की शब्दावलियाँ, और उसके बाद लास्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी है। मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉन्शस फॉर नोटिंग, फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन। तो आपको जब प्रिपरेशन करना है तो इसमें आपको काफ़ी हद तक कॉन्शस रहना है, और उन क्वेश्चनों को टारगेट करना है जिन क्वेश्चन को आने की प्रॉबिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। ओके, तो चलिए यहाँ से चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक बार आपको टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करना है, मैंने बार बार चर्चा किया था, जिसमें पहला आपका हो जाएगा सेक्शन ए 75 वर्ड्स के क्वेश्चन, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपका हो जाएगा 150 वर्ड्स क्वेश्चन, जिसका जो आपको 2 क्वेश्चन करना है, और सेक्शन सी में आपका हो जाएगा 400 वर्ड्स का, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो टोटल आपको 13 क्वेश्चन करना है, जिसके लिए टोटल आपका समय होगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का होगा, क्योंकि और जो आपको 30 मिनट है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिया गया है। ओके, तो यू हैव नो मोर टाइम, तो आपको बहुत ही कॉन्शस रहना है कैसे करना है, इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए कि अगर हम फर्स्ट सेगमेंट बोलें तो आपका हो जाएगा, इसे आप कर सकते हैं सेगमेंट 1 में हम 75 वर्ड्स प्लस 150 वर्ड्स दोनों को लेंगे। दोनों को लेने का आधार क्या है? दोनों को लेने का आधार ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रश्न आपको 75 वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ वे क्वेश्चन आपको 150 वर्ड में पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें 400 वर्ड के भी पूछे जा सकते हैं। तो 75 वर्ड्स के लिए ऐसा कोई मानक नहीं है कि वह किसमें से पूछा जाएगा। ओवरऑल जो होल सिलेबस आपका है, इसमें कहीं से भी 75 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, और 150 वर्ड के क्वेश्चन भी वॉइस उसी के आसपास आ सकते हैं। 400 वर्ड का क्वेश्चन वह होगा जो ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जो थोड़ा सा लेंदी होगा, जिसमें कई फैक्ट्स होंगे, जो जिसमें थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसेप्ट आइडियाज एंड टर्म्स, देर आर सम टर्म्स, सम टर्मोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू मेडिवल हिस्ट्री। कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे खिलाफत, सुलह एकुल, महाराष्ट्र धर्म, तुर्कानी चहलकानी, ठीक है, बलूता, वतन जागीर, एकता प्रथा, जजिया प्रथा, मदद मास आदि। अब इसमें देखिए, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन 75 वर्ड पूछ सकता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो इस बार भी आपको इम्पॉर्टेंट है, तो आपको क्या पढ़ना है, पहला आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वह है, पहला है, आप नोट करते रहिएगा, खिलाफत की अवधारणा। इसका वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, उसमें से आप कुछ पॉइंट नोट करते जाइए। खिलाफत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, खलीफा क्या है, खिलाफत क्या है, खिलाफत में
किस प्रकार के खिलाफत आए, रशीदुल खिलाफत क्या है, उसमें उसमें आपका उमैयद खिलाफत क्या है, अब्बासी खिलाफत क्या है, खलीफा की अवधारणा आई कहाँ से, खिलाफत आंदोलन तक आप चाहें उसको एक सीट करके लिख सकते हैं, 75 वर्ड में 50 वर्ड में भी। ओके चलिए अगला बेहतरीन है, सुलह ए मुल्क की अवधारणा क्या है, तो अगला हो जाएगा सुलह ए कुल। अकबर ने सुलह ए कुल की जो अवधारणा लिया है वह हारून रशीद की पुस्तक से लिया, जिसका नाम है सुलह ए कुल, जिन्होंने यह किताब लिखा था ताकि मंगोल कबीलों के बीच में एकता स्थापित किया जा सके। तो वहीं से विचारधारा आई और भारत में इस विचारधारा को लाने का श्रेय जो है वह मुख्यतः निजामुद्दीन औलिया को मिलता है। अकबर की नीतियों, अकबर के राजनीतिक सामाजिक आदि नीतियों का मूल आधार जो है वह सुलह ए कुल की नीति रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछेगा वतन जागीर क्या है, हम बहुत ज़्यादा अगर बताएंगे तो वो लेट हो जाएगा, इसलिए आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें टर्म्स हमने पढ़ाए हैं मॉड्यूल का, वतन जागीर क्या है। इसके बाद आपका अगर कुछ टर्म्स चाहिए, कुछ आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप हिस्ट्री विथ आनंद पांडे के टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, ज्वाइन करके देख लीजिएगा, आपको भेज देंगे, अदरवाइज आप चाहें तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9336525218, तो हम आपको कई काफ़ी क्वेश्चन दे देंगे। ओके चलिए, तो अगला है महाराष्ट्र धर्म आ सकता है 100%, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला आपका हो जाएगा महाराष्ट्र धर्म क्या है, महाराष्ट्र धर्म में वारकरी संप्रदाय क्या है, धारकरी संप्रदाय क्या है, महाराष्ट्र धर्म का आविर्भाव कैसे हुआ, उसका क्षेत्र विस्तार क्या था, इसमें ज्ञानदेव, रामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि का क्या योगदान है आदि। तो महाराष्ट्र धर्म महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र धर्म। और एक क्वेश्चन आप करिएगा वह है तुर्काने चिहलगानी, तुर्काने चिहलगानी क्या है, यह अवधारणा कहाँ से आई। तुर्काने चिहलगानी जो है इस शब्द का पहली बार प्रयोग जिसे 40 अमीर के दल के रूप में बलबन और बर्नी ने किया है, जिन्होंने दो किताब लिखी है तारीख़ फिरोजशाही और फतवा जहादारी, जबकि तुर्काने चिहलगानी संगठन का जो पहली बार उल्लेख है वह आपका हसन निजामी के ताजुल मासिर ग्रंथ में प्राप्त होता है। हाँ, इसका जो फॉर्मेशन था वह इल्तुतमिश ने किया और इसको डिस्ट्रॉय किया था बलबन ने। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, बलूता क्या है आ सकता है, बलूता क्या है, बलूटेदार अंगूठेदार पढ़ा होगा अपना आपने, एक पढ़ लीजिएगा नायंकर व्यवस्था क्या है, जिसे अमरम व्यवस्था भी कहते हैं, नायंकर या अमरम, ये जो व्यवस्था है जिसे अमर नायक से बना है यह आता है आपके कहाँ पे, ये आपका विजयनगर साम्राज्य व्यवस्था है, सब पढ़ा सारे टर्मोलॉजी पढ़ा हूँ मैं, आप वहाँ से बहुत सारी बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है एकता प्रथा, एकता प्रथा क्या है, अब एकता प्रथा 150 वर्ड में भी आ सकता है, जो पोटेंशियल बता गए हैं, महाराष्ट्र धर्म भी 150 वर्ड में आ सकता है। उसके बाद जैसे आपका है रायरेको है, जंगम है, चौथ है, द्वैत शासन, ठीक। अब द्वैत शासन का जो क्वेश्चन है यह आपको निश्चित तौर से 150 वर्ड में डायर्की सिस्टम या द्वैत शासन पद्धति, द्वैत शासन पद्धति क्या है, कब लागू हुआ, इसके जनक कौन है, लियोन कार्टियर है, लागू किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया, कहाँ कहाँ पे चला, कब तक चला, समाप्त किसने किया, वाल्मीकि ने किया था, कहाँ पे लागू हुआ, बंगाल बिहार उड़ीसा में, यह क्या होता है, निजामत का अधिकार क्या होता है, दीवानी का अधिकार क्या होता है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला है जंगम क्या है, हुंडी क्या है, ये सब जा सकते हैं। कोलोनिज्म क्या है, उपनिवेशवाद, पैरामाउंसी, सर्वोच्चतावाद, परगना, संप्रदायवाद, बंगाल वैष्णो धर्म, ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद आ सकता है। ओरिएंटलिज्म शब्द का पहली बार प्रयोग एडवर्ड सईद ने किया है, ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म क्या है, विचारधारा कैसे है, क्या है, अल्तमगा किस प्रकार की जागीर मुगल काल की आ सकती है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका इसे कर सकते हैं, बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्या है। अगला है
सहनाई मंडी, सहनाई मंडी जो आपका अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में था, ये भी आ सकता है। सहना ये मंडी क्या है, इसमें कौन कौन सी बाजार व्यवस्था के बारे में साक्ष कहाँ से मिलता है, तारीख शाही मिलता है, फुतूह, उसके बाद आपका खजारुल फुतूह मिलता है, खैरुल मजलिस में मिलता है, उसका उद्देश्य क्या था, लागू कहाँ कहाँ पे हुआ, उसके किस प्रकार के बाजार थे, इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया, कितने प्रकार के अध्यादेश आए, 7 अध्यादेश किस बाजार के थे, 5 अध्यादेश किस बाजार के थे, 4 अध्यादेश किस बाजार के थे, घोड़े दासे मवेशियों का बाजार कैसा था, सराय अगल कैसा बाजार था, तो सारी चीज़ें बता सकते हैं। सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। यह आपका क्वेश्चन जो है सहायक संघ, सहायक संधि 150 भी आ सकता है। सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, सहायक संधि क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, सहायक संघ शुरू किसने किया, दुबले ने किया था, सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था, वेलेजली ने किया था, इसके गुण और दोष क्या थे, इसके लाभ हान क्या था, कौन कौन से राज्यों का अपहरण या राज्यों को सहायक संघ स्वीकार कराया गया था, जिसमें पहला था हैदराबाद, दूसरा मैसूर, हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध पेशवा भोसले सिंधिया जयपुर जोधपुर मच्छेड़ी बोधी भरतपुर, इनका क्रम है, याद रखिएगा। अब सहायक संधि आया है तो आ सकता है आपका व्यापगत नीति, जिसे आप कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, डॉक्टर शांतिपुर विलय की नीति जो डलहौजी की है और जिसके अंतर्गत आपका सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि का को अपहृत करके मुगलों के मुगल पैरामाउसी या मुगल सॉवरेंटी के अंतर्गत लाया गया, ये आप बता सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपको 150 या 75 दोनों में आ सकता है, इनको जरूर याद कीजिएगा, व्यापक सहायक नीति दर्ज। अगला सब पे देखिए, सब पे आप थोड़ा सा पॉइंट 4-4-6-6 पॉइंट तैयार कर लीजिए। मर्केटलिज्म वाणिज्यवाद, इवेंजलिज्म शुभ संदेशवाद, ईसा मसीह के विचार शुभ माने जाते हैं, ऑस्पिशियस, इसलिए ईसा मसीह के विचारों का प्रचार प्रसार करने की पद्धति को हम कहते हैं शुभ संदेशवाद, ठीक है। तो इसी के तहत जो है यूरोपीय देश जो हैं वह अपने कॉलोनियल प्रोसेस के साथ साथ धर्म के नाम पर उन्होंने ईसाइत का प्रचार प्रसार भी किया। अगला है इकोनॉमिक नेशनलिटी, आर्थिक राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पद्धति आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाती है। भूदान आंदोलन आ सकता है, भूदान क्या है, भूदान आंदोलन क्या है, कब शुरू हुआ यह आंदोलन, कब जाके 1955 में ग्रामदान में बदल गया, पहला ग्रामदान कहाँ से मिला, उड़ीसा से, पहला भूदान कहाँ से मिला था, ठीक है, ये सब आपको बताना। तो आपको भूदान और ग्रामदान, ओके, ये आपको दोनों बताना है, ठीक है। तो भूदान कहाँ शुरू हुआ, पोचमपल्ली से क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, ये भूदान उड़ीसा से कैसे शुरू हुआ, तो ये सब पूरा बताएंगे। अगला इंडियन निरसा, भारतीय पुनर्जागरण, ये क्वेश्चन आ सकता है 150 में, और अगर चाहेगा तो ये क्वेश्चन आपके 400 वर्ड में भी आ सकता है, कहेगा भारतीय पुनर्जागरण, जागरण पर प्रकाश डालिए, या राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं, या 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो अब इसमें भारतीय इंडियन रेनेसा शब्द का पहली बार प्रयोग मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट इपिक्स में किया है, प्रोटेस्टेंट इपिक्स। अगला है पंचशील आएगा तो 75 शब्द में, पंचशील क्या है, कब लागू हुआ, किसके बीच लागू हुआ, किन चावलाई और नेहरू जी ने सिग्नेचर किया, किससे संबंधित था, ये सब बताना है आपका, तिब्बत के प्रश्न पे हुआ, तो ये सब बताइए। मिक्स इकोनॉमिक, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सिंपल है, हिंदू कोड भी आ सकता है 75 शब्द में। ये सब शब्द मैं पढ़ाया हूँ, शब्दावलियाँ आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उस पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन है, सिस्टमेटिक है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, वह है इकोनॉमिक ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सॉरी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसे कह सकते हैं थियोरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नायडू जी का धन निष्क्रमण का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत।
धन निष्कासन का सिद्धांत पहली बार 1867 में उन्होंने इंग्लैंड से डिफ्ट इंडिया में दिया। इस प्रश्न को पहली बार बेल्बी आयोग के सामने उठाया गया था। बाद में इसकी व्याख्या द कॉमर्स ऑफ इंडिया, वांट्स एंड मींस ऑफ इंडिया, वांट्स एंड मींस ऑफ इंडिया, और बाद में उन्हें सही में किताब लिखी गई पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसके विस्तृत व्याख्या किया गया था। और ब्रिटिश संसद में इस प्रश्न को राजा राममोहन राय ने उठाया था। ओके, तो ये सब बताइएगा आप और किस पत्रिका में इसका इस पर किया गया। होम चार्जेस का सिद्धांत इससे क्या संबंधित था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रकृति क्या होती है, फिर उन्होंने एक सिद्धांत दिया नैतिक निष्कासन क्या होता है, इसे कहते मॉरल एग्जिट। अगला, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा किसी लेक्चर नहीं देंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक शब्द है हुंडी। प्राचीन काल में जो हुंडी जिसको कहते हैं फारसी में, पूछेगा सुफ ताज़ा, इसका मतलब था हुंडी। ठीक, हुंडी मतलब होता है अ मीन्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ मनी, जो धन का विनिमय होता है जैसे वर्तमान चेक, तो इसे प्राचीन काल में हुंडी होता है। चलिए सब दौरे में आ रहे हैं हम, आगे आ जाइएगा थोड़ा सा फराक से। अब देखिए, चूंकि इस्लामिक शब्द है तो कुछ शब्द पे हम आ सकते हैं, जैसे पूछ सकता है इसमें इसमें से आपका पूछ सकता है अरबैस्क शैली क्या है, पूछ सकता है बड़ी थड़ी कला या शैली क्या है। ठीक, चित्रकला की अरबैस्क शैली, जिसे आप खूफरी शैली भी कहते हैं, जो इस्लामिक स्थापत्य संरचना की पद्धति है, जिसमें जैसे अरबैक्स हो गया, कुफरी हो गया, पच्चीकारी हो गया, गच्चीकारी हो गया, चारबाग शैली हो गया, चार मीनार शैली हो गया, बुर्जी शैली हो गया, तो बहुत सारे रौजा शैली हो गया, इसीलिए ताजमहल का मूल नाम है रौजा ए मुनव्वर। तो ये सब आपको पढ़ना, ये सब पढ़ा हुआ वहाँ पर नोट कीजिएगा। चलिए आगे चर्चा करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ फुलिज्म, दुबोरीज, तुर्कीस, सैयद लोदी, ओके, स्टेट रिलीजन, कंसेप्ट ऑफ सॉवरेंटी, सूफिज्म, सूफीवाद के शब्दावली, जैसे खानकाह पूछेगा क्या है, खानकाह के बारे में बताइए, फना का सिद्धांत क्या है, बका का सिद्धांत क्या है, तो आ सकता है फना, आ सकता है मे बी फना को तो थोड़ा सा अपीलिंग है, तो फना आ सकता है, फना का सिद्धांत क्या है, बका तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, फना का सिद्धांत आ सकता है, तैफूरी मत के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आपका है सॉरेंटी रेजस, चूंकि देखिए एक बार पूछा गया है, क्योंकि मध्य बहुत सारी चीजें हैं, मध्यकाल का क्वेश्चन है, तो मध्यकाल में देवदासी प्रथा बड़ी तेजी से चला था, तो एक बार क्वेश्चन आया था देवदासी प्रथा लिखने के लिए, तो एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा देवदासी प्रथा क्या है, ये पढ़ा है देवदासी प्रथा क्या है। देवदासी प्रथा का जो पहली साक्ष मिला है वो पद्म पुराण मिलता है, और जबकि अगर सारे आप देखिए स्रोतों में जाएंगे तो रामगढ़ में एक गुफा है, उस गुफा में देवदत्त और सुदंका नामक देवदासी के प्रगत संबंध का उल्लेख मिलता है, और वहीं से देवदासी प्रथा का पहला आलेख स्रोत प्राप्त होता है। आगे चलिए, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग मुगल एक्सपेंशन, बाबर, ये सब इसमें आइए, क्या क्या आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आ सकता है दीन-ए-इलाही क्या है 75 शब्द में या 150 शब्द में। अगला आ सकता है महजर क्या है, जो 1579 में उन्होंने अकबर ने जारी किया, महजर क्या है। फिर आ सकता है इबादत खाना के बारे में लिखिए, तो महजर और दीन-ए-इलाही की ज़्यादा इसमें संभावना है। फिर आपका पूछ सकता है इसमें आगे चल के मनसब क्या है, या मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, मनसब से बना तो मनसबदारी व्यवस्था कहाँ से आई, कैसे आई, मलेशिया से कैसे आई, अकबर के समय कैसे लागू किया, कितने प्रकार के मनसबदार होते हैं,
इसमें मसबदारी के अंतर्गत वतन जागीर क्या होती है, मसरूत जागीर क्या होती है, सीधे शब्द पूछेगा मसरूत क्या है, मसरूत क्या है, इसमें मसरूत है, खुराक फिलान है, इरमास है, चौथाई कुल है, रवासा है, बहुत सारी कटौतियाँ हैं, सिमाही है, सिसमाही है, हाँ आयने दरसाला है, तो आयने दरसाला आ सकता है इस मुगल हुकूमत में, समझ में, आयने दरसाला, दस साल का जो प्रबंध है या क्या होता है, तो आयने दरसाला है, जो कुछ रेवेन्यू सिस्टम के शब्दावलियाँ हैं ये आपके महत्वपूर्ण, जैसे गल्ला बक्सी, नक्शबंदी, हाँ गल्ला बक्सी पद्धति क्या है, गल्ला बक्सी यह पूछ सकता है आपका, आपका दहबंदी जिसे आप लोग कहते हैं 10-20 का नियम, मुगल काल में ये क्या होता है, कितने कितने घुड़सवार और कितने घोड़े रखे जाएंगे इनमें, हाँ तो ये जो नियम है ये आ सकता है, अदरवाइज फिर मुगलों में आपका आ सकता है जैसे राजपूत में, ये सब अभी नहीं बता रहे क्योंकि ये सब आपको बड़े क्वेश्चन आएंगे, जागीरदारी संकट 75 शब्द में, 75 में भी आ सकता है, 150 में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जागीरदारी संकट, जागीरदारी संकट क्या है ये, या जागीरदारी प्रथा क्या है। अगला जुंटा क्या है, जुंटा जो नूरजहां गुट था, ठीक है उसको जुंटा कहते हैं, तो वो जुंटा पूछ सकता है क्या है, इसके बारे में बताना होगा आपके, ठीक। अगला मराठा मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ शिवाजी एक्सटेंशंस, ओके अगर शिवाजी हैं तो चौथ और सरदेश मुखी आ सकता है 150 में या 75 में, चौथ एवं सरदेश मुखी, चौथ क्या है, चौथ का बंटवारा कैसे होता है, हाँ बप्टी सबरता नारगुंडा मुकाशा क्या है ये आप बताएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौथ और सरदेश मुखी। अगला जाइएगा सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ट्रेजर कार्बन ऑर्गेनाइजेशन, पोजिशन फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल एक्सपेंशन, ये बंगाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, इसमें आ जाइए, उसमें शिवाजी के उद्भव के प्रमुख कारण या मराठवाड़ा धर्म लिखा चुकी है तो कोई बात नहीं, रह लीजिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको जो पुर्तगालियों की है व्यवस्था ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति से कहते हैं आपको अंग्रेजी लिख देते ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ठीक ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, आर्म का डेजा क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ लीजिएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ओके ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी टाउन पैरावांसी सिविल जुडिशरी पुलिस कार्नवालिस कोर्ट, कार्नवालिस कोर्ट क्या है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी वाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त पढ़ लीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ लीजिए, ठीक है। जब अब एक आ सकता है कि मुगल भूराजस्व नीति, हाँ तब आपको इसका और डिटेल लिखना होगा, यहाँ 75 शब्द या 150 शब्द में आ सकते हैं,
देखिए 75 शब्द 150 शब्द कोई हमने कहा ऐसा कोई डेमार्केशन नहीं है कि ये नहीं आ सकता है, तो याद रखिएगा कुछ भी आ सकता है। अगला है आपका लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1909 से लेकर 1935 का अध्ययन है, तो हो सकता है आपका कहते 1935 की मूलभूत बातें 1935 एक्ट अधिनियम के बारे में बताइए। 1909 से है ही तो आपको इसके पहले 1813 नहीं पढ़ना है। अगला है इकोनॉमिक पॉलिसी लैंड वैल्यू एग्रीकल्चर लैंड राइट्स फेमिन पॉलिसी रूरल टूवर्ड्स ट्रेड कॉमर्स लेबर ट्रेड यूनियन ओके फैक्ट्री अधिनियम ट्रांसपोर्ट इंडियन सोसाइटी ट्रांजिशन क्रिश्चियन सोशल रिलीजियस इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्न साइंस जर्नलिज्म सब छोड़िए आ जाइएगा। नेशनल मूवमेंट पे आ जाइएगा, इसमें आपको आ सकता है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बताइए। वामपंथी आंदोलन आंदोलन का उल्लेख कीजिए। इंडिया आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर यूरोपी सबने अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा आंदोलन खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन पूना पैक्ट थोड़ा थोड़ा दो दो चार पॉइंट छः छः पॉइंट सब पे जानते रहिए। पॉइंट पॉइंट अपने नोट कर लीजिए 50-60 क्वेश्चन का बस उसको व्याख्या कर दीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड टर्मिनोलॉजी में एक दो शब्द आदि है, जैसे प्री हिस्ट्री है ह्यूमनिज्म है ह्यूमनिज्म बर्गर प्रैक्टिस है इनलाइटेड डिस्पोटिज्म ये आपका इनलाइटेड डिस्पोटिज्म ये आपका आ सकता है जिसे कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशतावाद से आप क्या समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द एनलाइटेड डेस्पोटिज्म प्रबुद्ध निरंकुशतावाद क्या है सुप्रीमेसी ऑफ चर्च एथेंसियन लोकतंत्र होलो रोमन इंपीरियल रोम सोशल कंट्री जनरली अपार्थेड रंगभेद ये सब बहुत अच्छा मैं पढ़ा हूँ सब दर्ज कर लीजिएगा वहाँ से रंगभेद और नस्लवाद ठीक है राइट अ मैन छोड़िए मनोरियल सिस्टम डार्विनिज्म ब्लैक डेथ ये अच्छा क्वेश्चन है आ सकता है 75 शब्द में ब्लैक डेथ अच्छा इससे दो फायदा होगा यही पढ़े रहेंगे तो आपका जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप यहीं से कर लेंगे ठीक है तो ये नहीं सोचेगा कि आगे काम नहीं देगा ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी संभाल लेगा इसी में से आपका 10 क्वेश्चन 75 वर्ड्स के और इसी में से आपके 150 वर्ड क्वेश्चन और 400 वर्ड क्वेश्चन भी यूज कर लेंगे। ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक मंदी 1929 की आर्थिक मंदी फ्यूडलिज्म सामंतवाद फेमिनिज्म नारीवाद नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता आ सकता है अच्छा क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता कौन कौन है कहाँ आया इस शब्द का प्रयोग किसने किया माइकल ब्रेसर ने किया हाँ ठीक है माइकल ब्रेसर कहते हैं कि इस शब्द का प्रयोग बीबी मेनन ने किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में तो ये सब बता दीजिएगा। फेमिनिज्म नाजीज्म फासिज्म नाजीवाद कॉमनवेल्थ इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद समाजवाद बैलेंस ऑफ पावर एंड कोल्ड वार शक्ति संतुलन तो मुश्किल है कोल्ड वार आ सकता है कोल्ड वार शीत युद्ध जिसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है माइकल ब्रेसर और लिपमैन ने कोल्ड वार शीत युद्ध
बताएंगे। सिद्धू पहले अच्छा पढ़ाया वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ओके। अपार्थेड अपार्थेड पोस्टमार्टम उत्तर अतंतावाद, उत्तर अतंतावाद ये पढ़ लीजिएगा। इस शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नॉल्ड टॉयनबी ने अपनी किताब किताब में किया है, जिनकी किताब है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री इतिहास से कथित, और दूसरी बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक है। तो पोस्टमॉडर्निज्म, जबकि इसके सबसे बड़े समर्थक इतिहासकारों में जो आते हैं वे हैं जैक्स डेरिडा, मिशेल फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा, जिनकी किताब का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसी में डेनियल बायल, इसी में आपके रॉबर्ट ई लेन है, जो आगे चल के विचारधारा आई से निकल कर जिसे कहते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी विचारधारा है, ये पढ़ा हूँ आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विचारधारा को नहीं मानती है, यह मानती है कि हिस्ट्री इज नथिंग बट द इल्यूजन ऑफ वर्ड्स, इतिहास और कुछ नहीं केवल शब्दों का माया जाल है। इस पर हमने गप्पा किया है, आप तो देख लीजिएगा। अब आइए रिसर्च, रिसर्च में कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, खासकर 150 वर्ड में, हाँ। तो 150 वर्ड में रिसर्च में जो आपका है, पहला है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्षेत्र और महत्व, सिंपल है, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं उसी साथ, ठीक है। सेगमेंट वन के बाद हम शुरू करेंगे सेगमेंट टू। टू में हम ऐसे क्वेश्चन रखेंगे जो कि 400 वर्ड में आएंगे, अदरवाइज 150 वर्ड में भी आ सकते हैं, दोनों पोटेंशियल होगा, चाहे यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। क्योंकि 150 वर्ड मतलब आपका हो गया मुश्किल से 15 से 18 लाइन, और 400 वर्ड मुश्किल से हो गया 35 लाइन, ठीक है। तो 35 से 40 लाइन, तो 35 से 40 लाइन उसको लिखना है, और 75 वर्ड में आपको 7-8 लाइन, ओके। आप 9-10 अक्षर लिखते हैं प्रॉबेबली। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ से चर्चा करेंगे हिस्टोग्राफी वाले से, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है और हिस्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है वहीं चर्चा करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 150 पूछे जाएंगे, अदरवाइज 400 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हिस्टोग्राफी का 101% होगा, और हम आपको लास्ट में बता देंगे, आप सब अगर बिल्कुल आलसी होंगे और बिल्कुल न पढ़े होंगे तो बता देंगे 10-15 क्वेश्चन कौन सा खास पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, इतिहास में वस्तुनिष्ठता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता क्या है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना संभव है या नहीं, कुछ भी हो आपको लिखना ही है। तो वस्तुनिष्ठता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 150 में आएगा चाहे 400 में आएगा। अगला देखिएगा, इतिहास में पूर्वाग्रह या पक्षपात, बायस इन हिस्ट्री, इतिहास में पूर्वाग्रह पक्षपात। जब इसको पढ़िएगा, दोनों वीडियो पढ़ाऊँ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, इससे काफ़ी चीज़ें जो है दोनों कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला है आपका काजेशन इन हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में कारणता क्या है, कारणता की व्याख्या कैसे की जाती है, काजेशन इन हिस्ट्री भी पढ़ा है, उस कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, हमने भी चर्चा किया था कि आपको हम कारणता, वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह, ये सब क्वेश्चन वीडियो के साथ हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 93 36 52 18 या टेलीग्राम पे आ जाएगा हिस्ट्री विथ आनंद पांडे, ठीक। मुझे भी हालांकि बहुत कम चलाने में इंटरेस्ट है टेलीग्राम, लेकिन आप लोग के लिए भेज दूंगा। और तो अगर इंटरेस्टेड होइएगा, बहुत सिंसियर होइएगा, कहीं ना मिले हाँ, और बेहतरीन अच्छा मैटर चाहिएगा तो आप हमसे दे दीजिएगा, ओके। चलिए अगला है इतिहास और उसके सहायक विज्ञान, और अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री। अगर इतिहास दर्शन से ही तैयार कर लीजिए तो यही चार पूरा काम हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ पढ़ने की। 400 वर्ड में एक क्वेश्चन 100% इसमें से रहेगा, इतिहास और उसके सहायक विज्ञान पढ़ा हूँ, हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस, इतिहास एवं उसके सहायक विज्ञान क्या होते हैं, जो मनुष्य ने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का विकास किया है
उनका इतिहास देखकर किस तरह से प्रयोग होता है उसी को हम कहते हैं सहायक विज्ञान, जैसे एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, सिग्नोग्राफी, नोमस्पेटिक्स, थर्मोलुमिनेसेंस, कार्बन डेटिंग सिस्टम, सी फोर्टीन सिस्टम, उसके बाद आपका थ्री एनालिसिस, उसके बाद फोटोस्कोपिक सिस्टम, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक, हमने आजकल सोनार उपकरण, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग हम इतिहास लेखन में करते हैं, इतिहास के एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लोरेशन में करते हैं, वे सब जो होते हैं इतिहास के सहायक विज्ञान कहलाते हैं। इसका डिटेल वीडियो है, देख लीजिएगा। चलिए अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री, ये भी अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे है क्षेत्रीय इतिहास का महत्व बताइए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री। ओके, तो एक आप ये इतना तैयार कर लीजिएगा, और एक तैयार कर लीजिएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, प्राथमिक एवं द्वितीय इतिहास शोध प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत क्या होते हैं, ये भी अभी मैंने वीडियो भेजा है, इसका पीडीएफ दे दूंगा। और एक है प्रपोस्ट आपका क्या है सेकेंडरी प्रपोस्ट रिसर्च और रिसेंट हिस्टोरिकल राइटिंग्स। एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा मेरे कहने पे, वह क्वेश्चन आपका होगा सबअल्टर्न हिस्ट्री इतिहास क्या है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग इटली के एंटोनियो ग्राम्सी ने किया है, जबकि यह जो विचारधारा आई है वो अमेरिका से आई है, और यह जो सबअल्टर्न है भारत में इसके सबसे बड़े प्रतिपादक हैं रणजीत गुहा, ज्ञान पांडे, साहिद अमीन, दीपेश चक्रवर्ती आदि। रणजीत गुहा बड़ी फेमस बुक है एलिमेंट्री आस्पेक्ट एंड द पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, दूसरी किताब है सबअल्टर्न हिस्ट्रीज, तीसरी बड़ी फेमस किताब है हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और दीपेश चक्रवर्ती किताब है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद साहिद अमीन की बड़ी फेमस किताब है गांधी एस महात्मा, और दूसरी किताब है गोरख उजिला 1921-22। ओके, तो इसको इसमें सबसे ज्यादा जोर दीजिएगा आप वस्तुनिष्ठता एक, ये दूसरा आपका सबअल्टर्न हिस्ट्री, और तीसरा अगर पढ़ना होगा कि इतिहास में कारणता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक हो गया ठीक, एक क्वेश्चन सबअल्टर्न हो गया, अगला देखते हैं। अब और बड़े में देखिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगला है अब थोड़ा सा उसमें आते हैं खास खास क्वेश्चन जो आपका वह है अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का उल्लेख कीजिए, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका बलबन का राजत्व सिद्धांत, किंग्सी थ्योरी ऑफ बलबन राजत्व सिद्धांत। अगला फिर आ जाइए मुगलों की दक्षिण नीति। अगला आ जाइएगा मनसबदारी व्यवस्था, बड़े मनसबदारी व्यवस्था प्रकाश डालिए। अगला है शेरशाह सूरी का भू राजस्व, ये आएगा तो 150 में आएगा, शेरशाह अकबर की भू राजस्व पद्धति, या हो सकता है शेरशाह सूरी अकबर का अग्रगामी था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला है बड़े के लिए आपका पढ़िएगा कि मुगलों में जागीरदारी संकट क्या है, अभी हमने जागीरदारी संकट वहां चर्चा किया था, तो कहीं कह सकता है चार समझा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनसबदारी और जागीरदारी पद्धति, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पढ़िएगा वह है ब्रिटिश भू राजस्व नीति
जिसमें आपका अस्थाई बंदोबस्त लिखिएगा, इस्तमारारी व्यवस्था लिखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लिखिएगा, हाँ उसके बाद इजारेदारी व्यवस्था लिखिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा रैयत वाली व्यवस्था लिख लीजिएगा, हाँ तो जो जो व्यवस्थाएं आई कहाँ कहाँ पे लागू हुई, कैसे कैसे लागू हुई, सारी बारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सांप्रदायिकता का विकास भारत विभाजन के लिए अविसंभावी था, तो आप कैसे कर सकते हैं सांप्रदायिकता का विकास एवं भारत विभाजन, सांप्रदायिकता का विकास एवं भारत विभाजन एक और 75 वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वो आ सकता है, वो है 12 भाई कौन से, मराठों से संबंधित क्वेश्चन है 12 भाई कौन से, ये कभी आ सकता है, और वह है मराठा संघ के पतन के कारण, मराठा संघ के पतन के कारण, हाँ एक क्वेश्चन और मुगल वो है आपका मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला का विकास ठीक है कैसे हुआ, पहाड़ी चित्रकला क्या थी और मुगल चित्रकला के रूप में प्रभाव क्या था, किस किस क्रम में चित्रकला चली, कैसे चली, ये सब आप बता दीजिएगा ठीक है। आई थिंक इतना क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है, इतने क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बट इतना है नहीं, आपको बस इनमें से पॉइंट पॉइंट वाइज पढ़िएगा, उनमें से दो दो चार चार छः छः पॉइंट सबका नोट कर लीजिएगा, इतने में से आपके सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए ठीक है। तो और अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे तो याद रखिएगा आपका बड़े क्वेश्चनों में बाबा कह रहा हूँ वस्तुनिष्ठता, दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा इतिहास में कारणता, तीसरा आपका वह है प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत, सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री ठीक है, इसके बाद आपका मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी संकट मुगल कालीन चित्रकला, हाँ ब्रिटिश भूराजस्व नीति, ये सब जो क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनमें से आपका 400 वर्ड में एक क्वेश्चन कोई न कोई आ ही जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, इतना क्वेश्चन आप पहले तैयार कीजिएगा, अन्य जो आप पढ़े होंगे वो बेस्ट है, लेकिन आशा करता हूँ इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन काम हो जाएगा ओके। तो इन पर फोकस कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आपको लिख विस्तार करना है, और शब्द सीमा का पालन कीजिए, टाइम मैनेजमेंट का पालन कीजिए, इस पर हम लोग आगे चर्चा फिर करेंगे, वीडियो बना कर ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।